हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गैस लॉ। और गैस लॉ में एक आता है हमारा बायल्स लॉ और दूसरा आता है हमारा चार्लीज लॉ। तो सबसे पहले हम बायल्स लॉ की बात करते हैं। तो बायल्स लॉ क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब क्या हुआ इसमें कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा कि जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा कि किसी प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि हमारा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट K आ जाता है, अपॉन में क्या हो जाएगा, P आ जाएगा। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, K इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा P इंटू V हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ से एक तो ये फार्मूला हमारा है, अब एक और फार्मूला बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बायल्स लॉ हो गया। अब उसके बाद में हम चार्लीज लॉ की बात कर लेते हैं। चार्लीज लॉ क्या होता है हमारा, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, यानी क्या होगा, गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर क्या होगा हमारा जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के इनवर्सली या सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो हो गया, अब ये कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू के KT हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब यहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो V अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर K हो जाएगा। एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला क्या होता है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इन सब फार्मूले से हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब हम पढ़ेंगे अवोगाद्रोज लॉ। अवोगाद्रोज लॉ में क्या बताया गया है कि एट सेम टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर पर एंड प्रेशर, मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर क्या होगा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है, इक्वल मतलब इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस क्या कंटेन करेंगी, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कंटेन करेंगी। ठीक है, जैसे इसमें आप इसको देखो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू N, जहां पर N हमारा क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, V प्रोपोर्शनल, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू स्मॉल N, जहां पर N हमारा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं V अपॉन N इज इक्वल टू K। भाई यहां पर क्या होगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट K आ जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, V1 N1 इज इक्वल टू V2 N2, ये भी हमारा फॉर्मूला आ जाएगा।